कार्डियक साइकिल होने वाली है स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहला इवेंट कार्डियक साइकिल का क्या होता है का? रेस्ट, यानी कि रिलैक्सेशन, डायस्टोल। नॉर्मल जो इंसान होता है, कोई भी, उसकी लाइफ हमेशा कैसी होती है? जब स्टार्ट होती है किसी भी इंसान की लाइफ, हमेशा नॉर्मल चलती है, रिलैक्स पोजिशन में चलती है, बच्चों की लाइफ जैसे होती है, कोई टेंशन नहीं होती। उसी तरीके से जो हार्ट है, उसकी जो कार्डियक साइकिल जब स्टार्ट हो रही है, तो मान के चलो हार्ट बिल्कुल आराम फरमा रहा है, उसे कोई भी किसी चीज की टेंशन नहीं है, ना ऑरिकल्स को टेंशन है, ना वेंट्रिकल्स को टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। तो जो उसके वॉल्व्स हैं, यानी कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन है, सेम लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो बाइकस्पिड वॉल है वो ओपन है, क्लियर। अभी क्या चल रहा है, रिलैक्सेशन चल रहा है, ऑरिकल्स भी रिलैक्स कर रहे हैं, ऑरिकुलर डायस्टोल है, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। तो ये दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल या कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। क्या लिखेंगे यहां पर? जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों जॉइन करके रिलैक्स कर रहे हैं, या फिर दूसरा इसका टर्म होता है क्या, कंप्लीट कार्डियक, पूरा दिल कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल रिलैक्स कर रहा है, आराम फरमा रहा है, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई इंसान आराम फरमा रहा होता है ना, तो उसकी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली होती है। अब हार्ट के पास एक प्रॉब्लम आने वाली है, अभी तो वो आराम से बैठा है, ऑरिकल्स बैठे हैं, वेंट्रिकल्स बैठे हैं, उनके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन है। जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन है तो कुछ तो होगा। अब क्या होगा, जो पहला रिलैक्सेशन के अंदर क्या होता है, राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। अभी तक कोई भी ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट नहीं किया है, अभी हम ओनली फर्स्ट इवेंट की बात कर रहे हैं कार्डियक साइकिल की, जो कौन सा इवेंट है, जॉइंट डायस्टोल या कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। इस इवेंट के अंदर क्या होता है, राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से सुपीरियर वीना कावा से, नीचे से इंफीरियर वीना कावा से, और हार्ट के पास से कोरोनरी साइनस से ब्लड क्या कर जाता है, एंटर राइट ऑरिकल में, क्लियर। लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड आ जाता है पल्मोनरी वेन से लंग्स के पास से, ठीक है। अब ऑरिकल के अंदर भी ब्लड आ गया, अभी डायस्टोल ही चल रहा है, रिलैक्सेशन चल रहा है हार्ट का, दोनों वॉल्व्स ओपन मिल गए, तो ब्लड क्या करेगा, सीधे वेंट्रिकल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर जाएगा। और इसी टाइम पर बाहर का प्रेशर होता है क्या, ज्यादा, अंदर का प्रेशर होता है कम, इसी वजह से जो ब्लड होता है वो बाहर से अंदर की तरफ एंटर करता रहता है। अब ब्लड कंटिन्यूसली एंटर करे जा रहा है, इस वजह से क्या होगा, ये जो वेंट्रिकल्स है ये हो जाएंगे स्टार्ट फिलिंग, वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वेंट्रिकल्स भरना स्टार्ट हो जाएंगे, किससे भरेंगे, ब्लड से भरेंगे। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरेगा, ठीक है। अभी डायस्टोल में केवल इतना ही हो रहा है, दोनों वॉल्व्स ओपन है, दोनों ऑरिकल्स में ब्लड आ रहा है, वही ब्लड वेंट्रिकल्स में जा रहा है, वेंट्रिकल्स भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। 60-70% जैसे ही भर जाएगा ना, अब इसका रिलैक्सेशन का टाइम हो गया खत्म, अब इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, होने वाला है कॉन्ट्रैक्शन। कौन कराएगा, सिंपल सी बात है, ऐसे नोड, अब इसकी नींद खुलेगी ऐसे नोड की, बोलेगा अब हार्ट बहुत हो गया, रिलैक्सेशन बहुत, आराम फरमा लिया, अब काम पर लग जाओ, क्योंकि अब अगर काम पर नहीं लगे तो जिस इंसान के अंदर तुम हो वो इंसान मर जाएगा। तो ऐसे नोड क्या करेगा, यहां से इम्पल्स जनरेट करेगा, वो इम्पल्स जैसे ही जनरेट करेगा वो इम्पल्स किसके पास जाएगी, एवी नोड के पास जाएगी। एवी नोड के पास जैसे ही गई, और ये एवी नोड और ऐसे नोड दोनों कहां प्रेजेंट है, ऑरिकल्स में प्रेजेंट है, तो दूसरा इवेंट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन का। जहां जहां इम्पल्स जाएगी वहां वहां हो जाएगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला इवेंट तो हो गया आपका जॉइंट डायस्टोल, दूसरा इवेंट क्या हो जाएगा, ऑरिकुलर सिस्टोल, क्लियर। और जब पहला इवेंट हो रहा था, जब हार्ट के अंदर ब्लड बस भरे जा रहा था, बाहर का प्रेशर ज्यादा था अंदर का कम था, वो टाइम था 0.4 सेकेंड का, 0.4 सेकेंड तक ऑरिकल्स का ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा था, और ऑरिकल के पास में अलग अलग बॉडी से और लंग से ब्लड आ रहा था, ठीक है, 0.4 सेकेंड में। अब 0.1 सेकेंड के लिए केवल ऑरिकुलर सिस्टोल होगा, जैसे ही इम्पल्स जनरेट हुई ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुए तो जितना बचा कुचा ब्लड था वो कहां पहुंच गया, वेंट्रिकल्स में पहुंच गया, ये ऑरिकुलर सिस्टोल के अंदर हो रहा है।
0.1 सेकेंड के अंदर ऑरिकुलर जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.1 सेकेंड बहुत ही कम होता है, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ उतने में ये जो इम्पल्स जनरेट हुई थी अब वो कहाँ पहुंच चुकी है, एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस्स के पास, और ये दोनों कहाँ पर प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स के पास में। जैसे ही इम्पल्स वेंट्रिकल्स के पास पहुंचती है तो ये दोनों ऑरिकल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ये अब कॉन्ट्रैक्शन कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो ये दोनों वॉल्व कैसे थे, ओपन थे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व एट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर कैसे थे, ओपन थे। लेकिन वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वेंट्रिकल्स का, अगर ये अभी भी ओपन रहे तो दोबारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, ऊपर ऑरिकल्स में चला जाएगा। क्या दोबारा ब्लड को ऑरिकल्स में जाना है, नहीं जाना है ब्लड को ऑरिकल्स में, क्योंकि वहां से तो वो आया है, अब उसकी डेस्टिनेशन कहीं और है। उस वजह से क्या होता है, जैसे ही वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जो इम्पल्स है वो एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस्स में आ जाती है, ये जो वॉल्व्स हैं ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से क्या हो गए, ये दोनों वॉल्व्स बंद हो गए। अब देखो यहाँ पर ब्लड भर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी वजह से और ब्लड आ गया, अब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर मैं एक पॉलिथीन ले लूं, उसके अंदर पॉलिथीन नहीं है, मान के चलो एक बैलून ले लिया मैंने, उसमें बहुत सारा पानी भर दिया और ऊपर से एक गांठ लगा दी, अब उस बैलून को मैं दबाती जाऊंगी, कॉन्ट्रैक्ट करती जाऊंगी, तो एक टाइम के बाद वो बैलून क्या हो जाएगा, फट जाएगा और पानी पूरा निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ वेंट्रिकल्स को दूसरी जगह नहीं मिली ब्लड को जाने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट होते होते वो फट जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है रियलिटी में, अगर आप उस बैलून के अंदर 5-6 जगह छेद कर दोगे तो जैसे ही दबाओगे तो वो वहां से पानी निकल जाएगा। यहाँ पर क्या किया है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व तो बंद हो गए, लेकिन हमने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के यहाँ पर कौन सी होती है ब्लड वेसल, पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ जाती है, लंग्स के पास में प्योर होने के लिए। और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ पर होती है कौन सी, एओटा, जो प्योर ब्लड को पूरी बॉडी के पास ले जाती है। तो इनके अंदर कौन से वॉल्व प्रेजेंट थे, सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट थे। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जो 0.3 सेकेंड का होता है, तीसरे नंबर का इवेंट होता है, उस समय ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं और साथ ही साथ सेमी न्यूरल वॉल्व जो होते हैं पल्मोनरी आर्टरी के और एओर्टा के, वो ओपन हो जाते हैं। क्यों ओपन हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड इन दोनों ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है और जो भी इसकी डेस्टिनेशन है वहां पर वो चला जाता है। क्लियर हो गया है आप। और ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ये हो जाता है कितना, 0.3 सेकेंड का, और ऊपर वाला क्या होता है, 0.1 सेकेंड का। अब यहां पर एक पॉइंट और समझ लो, क्या, साउंड ऑफ हार्ट यानी कि लव एंड डब साउंड जो दो सुनाई देते हैं, ये जो लव और डब साउंड होता है ये कुछ नहीं होता है, ये एक तरह का जब आपका दरवाजा होता है घर में, जब आप दरवाजों को बहुत तेज बंद करते हो तो ठप पकड़ के आवाज आती है, उसी तरीके से हार्ट के अंदर जो ये वॉल्व बने ना, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड और सेमी ल्यूनर वॉल्व, जब भी ये बंद होते हैं तब इनमें से आवाज आती है, एक बार लब आवाज आती है, एक बार डब आवाज आती है। तो कब लब आती है और कब डब आती है वो हम देखते हैं, जब ऑरिकुलर सिस्टोल होता है, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन रहते हैं, क्योंकि पूरा ब्लड निचोड़ के वेंट्रिकल्स में चला जाता है। क्लियर। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल स्टार्ट होता है, तो ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जैसे ये बंद होते एकदम से तो क्या साउंड आती है, लब साउंड आती है। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं तो लब साउंड आती है। पहला साउंड हो गया लब। क्लियर। कब हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम। अब देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ये तो क्लोज हो गए, यहां से ब्लड सेमिलर वॉल्स ओपन हो गए और ये चला गया। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट तो रहेंगे नहीं, रिलैक्स भी होंगे, और जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व फिर से ओपन हो जाता है और सेमिल्यूनर वॉल्स फिर से क्लोज हो जाते हैं। जब ये क्लोज होते हैं, कौन से, सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज होते हैं, तब साउंड आ जाता है कौन सा, डब साउंड आ जाता है। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स करते हैं तो ये
क्लोज हो जाते हैं। तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्लोज होंगे तो लप साउंड आएगा। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो सेमी न्यूरल वॉल्स क्लोज हो जाएंगे तो डब साउंड आएगा। और इसी को हम बोलते हैं लप डब साउंड, जो कंटिन्यूअसली हमको सुनाई देता है जब हम स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हैं या डॉक्टर सुनता है लप डब लप डब लप डब। और ये कंटिन्यूअसली क्यों चलता रहता है? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली फ्लो चलता रहता है। अब एक सिग्नल जनरेट हुआ था राइट ऑरिकल के अंदर ऐसे नोड से तो ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड का हुआ, ठीक है। अब वो एवी नोड में बचा और एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में और यहां पर पहुंच गया एवी बंडल में, एवी बंडल एंड बंडल ऑफ हिज में, तो वेंट्रिकुलर से स्टोल हो गया 0.3 सेकेंड का। 0.1 0.3 कॉन्ट्रैक्शन हो चुका और उसी समय जब यहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो ये रिलैक्स था, वेंट्रिकुलर डायस्टोल था। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो ऑरिकल्स का डायस्टोल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि पूरा हार्ट एक बार में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और पूरा हार्ट एक बार में रिलैक्स हो जाता है। पूरा हार्ट एक बार में रिलैक्स हो जाता है वो 0.4 सेकंड के लिए जॉइंट डायस्टोल है, लेकिन कभी भी जो दिल होता है वो पूरी तरीके से ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। पहले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जस्ट 0.1 सेकंड के लिए, क्यों? क्योंकि ऑरिकल्स छोटे होते हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकंड का होता है। इसके अंदर हमने इवेंट सारे देख लिए। यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई कार्डियक साइकिल पूरी 0.8 सेकंड की, जिसमें जॉइंट डायस्टोल था 0.4 सेकंड का जब हार्ट पूरी तरीके से रेस्ट कर रहा था, फिर ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट करी जिसके वजह से हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो 0.1 सेकंड के लिए, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए 0.3 सेकंड के लिए, 0.1 एंड 0.3 0.4 हो गया और यहाँ पे डायस्टोल यहाँ से स्टोल 0.4 एंड 0.4 मिला के क्या हो गया 0.8 सेकंड की एक कार्डियक साइकिल। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है 0.8 0.8 0.8 सेकंड, इसीलिए इसको बोला गया है क्या साइकिल। जो इवेंट्स थे कौन से इवेंट्स? इलेक्ट्रिकल इवेंट था आपका ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होना और मैकेनिकल इवेंट क्या था? कॉन्ट्रैक्शन होना। रिलैक्सेशन तो बहुत इजीली वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है, और ये वाले इवेंट्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं हर हार्ट बीट में और इसी को हमने पढ़ा क्या कार्डियक साइकिल। टॉपिक कंप्लीट करने से पहले दो सिंपल से टर्म है उनको समझ लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा तो वो दो टर्म भी समझ में आ जाएंगे। पहला टर्म है क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम और दूसरा टर्म है क्या? कार्डियक आउटपुट। पहले आप समझते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम को। क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम? ये यहां पर जो इंपल्स जनरेट हुई, ब्लड आया ऑरिकल्स में, देन वेंट्रिकल्स में आया, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड यहां पे राइट ऑरिकल या राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी से कहां गया? लंग्स के पास जाएगा, क्योंकि वो इम्प्योर ब्लड था प्योर होने के लिए। एओर्टा से पूरी बॉडी में जाएगा क्योंकि वो प्योर ब्लड है, ठीक है। यहां पर ये याद रखना है जो अमाउंट ऑफ ब्लड गया, यहां पर कार्डियक साइकिल केवल 0.8 सेकंड की है जिसमें 0.1 सेकंड में कॉन्ट्रैक्शन इधर ऑरिकल्स में हुआ, 0.3 में यहां पर हुआ और रिलैक्सेशन पूरा 0.4 का हो गया, ठीक है। ये एक 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकल्स ब्लड पंप आउट करता है, चाहे वो इम्प्योर हो या प्योर ब्लड हो, उसकी वॉल्यूम होती है कितनी? 70 ml। यानी कि 0.8 सेकंड में जो वेंट्रिकल्स ने ब्लड पंप किया बाहर, चाहे वो लंग्स के पास गया हो या बॉडी के पास में, उसकी वॉल्यूम कितनी थी? 70 ml। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? हार्ट बीट पढ़ते हैं, पूरी 1 मिनट की पढ़ते हैं, जिसमें 60 सेकेंड्स में कितनी बार हार्ट बीट होती है? 72 टाइम्स होती है। तो 0.8 सेकंड में 70 ml ब्लड पंप आउट होता है तो 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में कितना होगा? तो सिंपल है, 70 × 60 / 0.8, तो ये आ जाएगा आपका 5250 ml। क्यों? क्योंकि यहां पर भी ml था। अब ये ml को आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो ये अप्रोक्सली 5000 ml है, तो कितना लीटर हो गया आपका? ये 5 लीटर। और हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 लीटर। तो आपका हार्ट या मेरा हार्ट, जो दिल होता है, वो 1 मिनट में पूरा का पूरा 5 लीटर ब्लड, जिसके अंदर 6 लीटर भी हो सकता है, 5.5 लीटर है या 4 लीटर है, वो पूरा का पूरा ब्लड पंप आउट कर देता है हार्ट 1 मिनट के अंदर। और इसी वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल,
क्या? अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंप्ड आउट कहां से हो रहा है? फ्रॉम हार्ट से तो हो रहा है, हार्ट के कौन से पार्ट से? वेंट्रिकल से, ठीक है, वेंट्रिकल से पंप आउट हो रहा है. कब? इन वन कार्डियक साइकिल, इन वन कार्डियक ऑफ 0.8 सेकेंड. यानी कि ये जो 70 ml को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं. 5 लीटर को स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बोलते हैं, किसको बोलते हैं? 70 ml को. क्यों? क्योंकि 0.8 सेकेंड के अंदर कितना ब्लड हुआ है, हम पूरे 1 मिनट या 60 सेकेंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम. क्लियर हो गया है वाला पॉइंट. अब हम किसको समझेंगे? कार्डियक आउटपुट को. कार्डियक आउटपुट और ही सिंपल है, सेम डेफिनेशन है. अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इन वन मिनट, यानी कि वन कार्डियक साइकिल नहीं, यहां पर जो मैंने वन मिनट या 60 सेकेंड लिखा था, वो वाली वॉल्यूम जो होती है ब्लड की, यानी कि जो 5 लीटर हो गया, वो क्या हो जाएगा आपका? कार्डियक आउटपुट, यानी कि जो आपका दिल है. अगर मैं पूछूं कि आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है हार्ट की, तो क्या बोलोगे? सिंपल, 70 ml. 0.8 सेकेंड के अंदर एक कार्डियक साइकिल के अंदर जो हार्ट होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं, वो 70 ml ब्लड को पंप आउट कर देते हैं, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं. और एक मिनट के अंदर पूरी 72 हार्ट बीट्स में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स पंप आउट करते हैं कार्डियक साइकिल के दौरान, जो कार्डियक साइकिल बार बार हो चुकी होती है, वो कितना होता है? 5 लीटर. उसको हम बोलते हैं क्या? कार्डियक आउटपुट. तो स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट का ही पार्ट होता है. यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका पूरी तरीके से क्या? कार्डियक साइकिल. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है अच्छे से, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना. अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल लगा है, बहुत लेंथी लगा है, तो इसके वजह से मैं एक छोटा सा वीडियो भी बनाऊंगी जो शॉर्ट वीडियो होगा, जिसमें मैं कार्डियक साइकिल को बहुत ही क्विकली जल्दी से समझा दूंगी.